हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनअकैडमी। स्वागत है दोस्तों आप सभी का अनअकैडमी यूजीसी नेट में। सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग प्रभात, शकुंतला, प्रीति, दीपाली, प्रियंका, सभी को गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है आपका एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन, या हम बोल सकते हैं यूनिवर्सिटी एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे आज, यूनिवर्सिटी एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। यानी यूनिवर्सिटी का जो प्रशासन का ढांचा है वो क्या होता है, उसको आज आपके सामने मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो काफी इंपॉर्टेंट सेशन है जो आज हमारा होने वाला है, जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। एंड गाइज, ये जो सेशन है ये बेसिकली आपका दो पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे। आज हम थ्योरिटिकल पोर्शन को कवर करेंगे मोस्ट ऑफ द, एंड नेक्स्ट क्लास में हमारा जो एमसीक्यू पोर्शन है उसको कवर करेंगे, जिससे कि आपको थ्योरी प्लस एमसीक्यूज और जो कुछ करंट में आपके डेवलपमेंट्स हुए हैं वो भी आपके कवर हों। नाउ, तो टॉपिक आपका रहेगा प्रशासन, और प्रशासन भी आपका जो यूनिवर्सिटी का जो प्रशासन है उसको हम यहाँ पे डिस्कस अभी करेंगे। प्रशासन में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं वो आपको मैं एक बार ब्रीफ कर देता हूं कि क्या क्या आज के हमारे टॉपिक रहेंगे। सो हम डिस्कस करेंगे चांसलर, वाइस चांसलर, एकेडमिक सीनेट, ईसी मेंबर्स, फाइनेंस कमेटी, रेक्टर, बोर्ड ऑफ स्टडीज, रजिस्ट्रार, है ना, एकेडमिक काउंसिल, इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। एकेडमिक काउंसिल, बोर्ड ऑफ स्टडीज और आपकी वीसी, ओके, आपके चांसलर, ये सारी की सारी जो चीजें हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे, डिटेल से डिस्कस करेंगे, और साथ में इससे रिलेटेड जो भी आपके एमसीक्यूज हैं और जो भी आपके पीवाईक्यूज हैं उनको भी मैं आज आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। एक बार आप सब लोग मुझे थम्स अप करके बता दीजिए कि आपका ऑडियो वीडियो पीपीटी सब क्लियर है। क्लियर है तो एक बार थम्स अप करो और फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, उसके बाद में गाइज अगर आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो अभी हमारा नया बैच है वो 26 जनवरी यानी रिपब्लिक डे से आपका नया बैच है वो मैं शुरू करने वाला हूं। तो जो भी स्टार्ट करना चाहते हैं 26 जैन से आपका नया बैच स्टार्ट होगा। लक्ष्य पेपर वन के लिए बैच चल रहा है, पेपर टू का बैच आपका प्रयास बैच है वो चल रहा है। तो लक्ष्य और प्रयास बैच को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं फॉर द कंप्लीट पेपर वन एंड पेपर टू तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इम्पैक्ट बैच और अकम्प्लिश बैच आपका चल रहा है। आइकोनिक सब्सक्रिप्शन भी आप ले सकते हैं, प्लस सब्सक्रिप्शन भी आप ले सकते हैं। रेफरल कोड आपको लगाना है कैपिटल में शिव10, जैसे आप लगाएंगे तो इंस्टेंट 10% डिस्काउंट आपको यहां से मिलेगा। 24 मंथ एंड 12 मंथ के सबसे बेस्ट प्लान है, इनको आप ज्वाइन यहां से कर सकते हैं। ये सारे के सारे बेनिफिट्स हैं जो प्लस एंड आइकॉनिक में मिलते हैं। ज्यादा फायदा आपको आइकॉनिक में होगा क्योंकि यहां से पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर सेशन, पर्सनल डाउट सॉल्विंग सेशन, इंटरव्यू प्रिपरेशन, ये सब आपको मिलता है। और ये शेड्यूल है आपका 7:30 बजे पेपर टू की स्पेशल क्लास एंड शाम को 4 बजे पेपर वन का स्पेशल क्लास होता है। तो आप सब लोग इन स्पेशल क्लासेस को ऑन द प्रायोरिटी बेसिस पे सब लोग इनको अटेंड कीजिए। चलो तो स्टार्ट करें। एक बार आप सब लोग सेशन को लाइक कर दीजिए एंड आप सब लोग एक बार इसको शेयर भी कर दीजिए। एवरीवन प्लीज लाइक एंड शेयर द सेशन। नाउ, वैसे तो मोस्ट ऑफ द पीपल को पता ही है, एक इंफॉर्मेशन है आपके लिए, एक सूचना है, और सूचना ये है कि जैसा कि आपको सब को पता है कि आपकी जो आंसर की है वो आ चुकी है और आपकी जो रिस्पॉन्स सीट है वो भी अवेलेबल हो चुकी है। तो जिस भी स्टूडेंट ने अपने आंसर की नहीं देखी है, अपने मार्क्स नहीं मैच किए हैं, वो अपने मार्क्स देख सकता है, जिससे कि आपको आइडिया लगे कि आप कहाँ पे हैं। एंड मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि आप सब लोग अभी घबराओ मत। अगर आपके थोड़े से मार्क्स कम आ रहे हैं, पिछली बार से थोड़े से कम आ रहे हैं, तो इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि कट ऑफ पिछली बार से थोड़ा सा नीचे रहे। तो काफी लोगों के मैसेज भी आ रहे हैं कि सर हमारे मार्क्स इतने हैं कि नेट होगा कि जेआरएफ होगा। तो
अगर पिछली बार से थोड़ा बहुत आपका कम स्कोर है तो घबराने की जरूरत नहीं है ना, जस्ट वेट फॉर द रिजल्ट। आई होप सबका अच्छा ही रिजल्ट होगा, एंड बाकी सब लोग आप अपने मार्क्स भी शेयर कर सकते हैं जिससे कि एक आइडिया लगे कि कट ऑफ क्या जा सकती है। ओके चलो स्टार्ट करें सेशन को। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को, और एक बार हम एक पूरा का पूरा जो हायरार्की है एजुकेशन सिस्टम का भारत में, शिक्षा व्यवस्था, एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, सिस्टम इन इंडिया। चलिए इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं गाइस। नाउ अब जब हम शिक्षा की हायरार्की को देखते हैं, भारत की शिक्षा प्रणाली को जब हम देखते हैं, तो यहां पे एक तो हमारा प्री नर्सरी होता है, ठीक है, फिर हमारा किंडरगार्टन होता है, फिर हमारा 10+2+3 पैटर्न है एजुकेशन का। अब प्री नर्सरी को हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, किंडरगार्टन से हम जनरली इंक्लूड करते हैं एक एजुकेशन को। तो LKG, UKG ये आपका किंडरगार्टन में आ जाता है, फिर आपका 10+2+3 वाला पैटर्न है जो अभी आपका चेंज हो चुका है। अब ये पैटर्न क्या हो चुका है एक बार मुझे आप कमेंट करके बताएंगे सब लोग। ये वाला जो सिस्टम है ये क्या हो चुका है, 5+3+3+4, यही है आपका जो नया सिस्टम है, जो नया सिस्टम है वो आपका यही है, 5+3+4, पहले 10+2+3 था आपका। अब देखिए यहां पे बेसिक एजुकेशन होती है क्लास 10 तक आपकी, फिर हायर सेकेंडरी होती है 10+2 जिसको हम बोलते हैं, 10+2 10, और फिर आपका जो +3 वाला जो स्टेज है ये वाला, ये आपका कॉलेज एजुकेशन है या हम ग्रेजुएशन का इसमें ले सकते हैं। उसके बाद में आपका PhD, आपका MA आता है या जिसको हम PG बोलते हैं, PG के बाद में आपका PhD कोर्सेज आता है, फिर आपका पोस्ट डॉक्टरेट आती है। ये सारी की सारी चीजें होती हैं जो हमारा हायर एजुकेशन का एक पार्ट बनता है, एक व्यवस्था है हमारे भारत की पूरी शिक्षा व्यवस्था। इतना क्लियर है सबको, एवरीवन? देखो अगर आपको प्रशासन पढ़ना है यूनिवर्सिटी का, तो प्रशासनिक ढांचा भी आपको पता होना चाहिए ना। जैसे अभी बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज हो रहा होगा कि सर प्रशासन से क्या समझते हैं, तो मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल देके बताता हूँ कि प्रशासन का मतलब क्या है। यहाँ देखो जब हम बात करते हैं प्रशासन की यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन की, तो जैसे हमारा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जैसे कि हम बात करते हैं कि भाई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है आपका, वो एक जिले का सबसे उच्च अधिकारी होता है, फिर आपका ADM होता है, फिर आपके SDM होते हैं, फिर आपके तहसील दार होते हैं, ये आपका एक स्ट्रक्चर है। इसी तरह से हम यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन को लेते हैं, यानी यूनिवर्सिटी यानी हमारा जो हायर एजुकेशन का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको लेंगे, तो सबसे ऊपर क्या आएंगे, आपके चांसलर, फिर आपके वाइस चांसलर, ठीक है। इस तरह से एक आपकी हायरार्की है वो पूरी की पूरी बनती है। ओके नाउ अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब सबसे ऊपर हम देखते हैं चांसलर। अब जब हम चांसलर की बात करते हैं गाइस, इसको वैसे मैं आपको डिटेल से पढ़ाने वाला हूं, डोंट वरी। चांसलर की जब हम बात करते हैं तो आपके देखो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती हैं और आपकी स्टेट यूनिवर्सिटीज होती हैं। सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटी होती है, दोनों के जो चांसलर हैं, जो कुलपति हैं, चांसलर को हम क्या बोलते हैं, कुलपति, दोनों के जो कुलपति होते हैं वो अलग अलग होते हैं, है ना। केंद्रीय विश्वविद्यालय
और आपका राज्य विश्वविद्यालय, दोनों के जो चांसलर होंगे वो अलग अलग होंगे। जैसा कि हम देखते हैं स्टेट यूनिवर्सिटीज के जो वीसी होते, जो चांसलर होते हैं, वो आपके कौन होंगे? गवर्नर होंगे। कौन होते हैं गाइस? स्टेट यूनिवर्सिटीज की जो चांसलर होते हैं वो कौन होते हैं आपके? गवर्नर होते हैं गाइस। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है जो आपको पता होना चाहिए। फिर चांसलर के नीचे आपका वाइस चांसलर आता है, ओके। वाइस चांसलर के नीचे आपका रेक्टर आता है, रेक्टर के नीचे आपका रजिस्ट्रार आता है, इसके नीचे फिर और बहुत सारे आपके रजिस्ट्रार के नीचे बहुत सारे होते हैं, जैसे डायरेक्टर ऑफ एकेडमिक एंड प्लानिंग, डायरेक्टर ऑफ एकेडमिक ऑडिट, डायरेक्टर एडमिशन के डायरेक्टर होते हैं, है ना, आपके एग्जामिनेशन के डायरेक्टर होते हैं, है ना, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट होता है उसके डायरेक्टर होंगे, डायरेक्टर ऑफ रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, डायरेक्टर ऑफ आईआरपी, डायरेक्टर ऑफ आईसीएस, डायरेक्टर ऑफ एफएएनएएम, है ना, ये सारे के सारे आपके क्या होते हैं? अलग अलग डायरेक्टर्स होते हैं। फिर आपके डीन्स होते हैं, है ना, फिर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो ये एक पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है जो कि यूनिवर्सिटी में चलता है, जो कि आप जनरली अपने आप अपने सबने ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, इसके दौरान आपने ये पूरा का पूरा सिस्टम है वो देखा होगा। कोई भी यूनिवर्सिटी है, उसका ऐसा ही एडमिनिस्ट्रेशन होता है। ऐसा ही आप सबने देखा होगा आपकी यूनिवर्सिटी में ऐसा ही कुछ एक ढांचा है वो रहा होगा एडमिनिस्ट्रेशन। नाउ लास्ट क्लास में हमने गाइस इसको कंप्लीट कर लिया है, आपका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ द हायर एजुकेशन। आई होप ये वाला टॉपिक सबको क्लियर होगा कि हमारी रेगुलेटरी बॉडीज कौन सी है, पॉलिसी मेकिंग बॉडीज कौन सी हैं और एक्रेडिशन बॉडीज कौन सी। तो ये तो पूरा कवर कर लिया है हमने रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, और आज हम करने वाले हैं यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन। नाउ अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, और लास्ट क्लास में हमने इन सारी की सारी हायर एजुकेशन बॉडीज को कवर किया था। अब गवर्नेंस ऑफ द यूनिवर्सिटी है, इसको मैं आपको समझाने वाला हूं। नाउ जब हम यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं, सबसे पहले तो हम इसको पढ़ेंगे, ओके। एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बात करेंगे, एकेडमिक काउंसिल की बात करेंगे, फैकल्टीज एंड स्कूल की बात करेंगे, कोर्ट या सीनेट जिसको हम बोलते हैं, फाइनेंस कमेटी की बात करेंगे, और अदर मॉडल ऑफ द गवर्नेंस क्या क्या होता है हमारे विश्वविद्यालयों में, यानी गवर्नेंस ऑफ यूनिवर्सिटीज में, ये सारी की सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। नाउ अब देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि सर यूनिवर्सिटीज को कौन कौन लोग हैं जो मैनेज करते हैं। जैसे हमने बात किया कि भाई एक जिले को एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर संभालते हैं, एडीएम जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, एसडीएम होते हैं, है ना, एसपी होते हैं, ये पुलिस महकमा होता है, अलग अलग लोग हैं जो हमारे डिस्ट्रिक्ट को संभालते हैं। ऐसे ही हमारे जो यूनिवर्सिटी है उसको भी कुछ ना कुछ संभालने वाले कोई ना कोई तो स्टेक होल्डर होंगे, यानी विश्वविद्यालयों का प्रबंध करने वाले लोग कौन कौन होते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि विश्वविद्यालय को प्रबंध करने वाले लोगों में आपका एक तो विजिटर आता है, एक आपका चांसलर आता है। चांसलर के नीचे या विजिटर के नीचे आपका चांसलर होते हैं, है ना। विजिटर जनरली कौन होते हैं आपके? प्रेसिडेंट है गाइस, वो हमारी जनरली जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती हैं उनके विजिटर होते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के विजिटर कौन होते हैं? प्रेसिडेंट होते हैं। फिर चांसलर के नीचे आपका वाइस चांसलर, फिर प्रो वाइस चांसलर जिसको हम रेक्टर भी बोलते हैं, फिर आपके डीन्स होते हैं, फिर रजिस्ट्रार होते हैं, और फिर आपके फाइनेंस ऑफिसर। इज इट क्लियर टू एवरीवन कि जो हमारा गवर्नेंस है यूनिवर्सिटीज का, उनको हम इन हेडिंग्स में पढ़ने वाले हैं, और जो यूनिवर्सिटीज को मैनेज करते हैं वो ये लोग होते हैं।
यानी यूनिवर्सिटीज को चलाने वाले हैं ये लोग हैं आपके सामने, विजिटर, चांसलर, वाइस चांसलर, प्रो वाइस चांसलर, डीन्स, रजिस्ट्रार और फाइनेंस ऑफिसर। नाउ आगे चले, अब देखिए मैनेजमेंट ऑफ द कॉलेजेस, द मैनेजमेंट ऑफ कॉलेजेस, कॉलेज का प्रबंधन। अब इसमें देखिए कॉलेज का प्रबंधन की हम बात करते हैं तो देखो एक तो टाइप ऑफ कॉलेजेस, किस तरह की कॉलेजेस हैं, है ना। जैसे कि हम देखते हैं कि भाई प्राइवेट कॉलेज हैं, गवर्नमेंट कॉलेज हैं, गवर्नमेंट एडेड कॉलेज हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। कॉलेजेस एंड द यूनिवर्सिटीज, कौन कौन सी अफिलिएटेड कॉलेज है आपकी यूनिवर्सिटी से, ऑटोनोमस कॉलेज की हम बात करते हैं, मैनेजमेंट ऑफ कॉलेजेस, तो ये भी आपको पता होना चाहिए अगर आप हायर एजुकेशन सिस्टम को पढ़ते हैं तो। क्योंकि लास्ट ईयर 2020 के पेपर में, 2020 के जो एग्जाम हुआ था आपका अक्टूबर नवंबर में, उसमें काफी क्वेश्चन हैं जो आपके कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन से एग्जाम में डाले गए थे। बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो गाइज डायरेक्टली यहां से पूछे गए थे आपके जो यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन है, और आगे भी चांसेस है कि आपको यहां से क्वेश्चन पूछे जाए। नाउ अब जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन की हम जब बात करेंगे, जो आपका शैक्षणिक प्रशासन है, शैक्षणिक प्रशासन मतलब यूनिवर्सिटीज का शैक्षणिक प्रशासन, ठीक है, ये ध्यान रखना, यूनिवर्सिटीज का शैक्षणिक प्रशासन, तो इसमें आपके वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार, ऊपर ऊपर चांसलर है, वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार, यूनिवर्सिटी कोर्ट जिसको हम सीनेट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सीनेट, एकेडमिक काउंसिल, सिंडिकेट या एग्जीक्यूटिव काउंसिल, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ स्टडीज और अप्रेजल सिस्टम। ये आपका क्या होता है, शैक्षणिक प्रशासन होता है, किसी भी यूनिवर्सिटी का, किसी भी विश्वविद्यालय का एक शैक्षणिक प्रशासन है, वो कुछ इस तरह से होगा आपका। नाउ अब जब हम बात करते हैं, अब हम एक एक करके इनको पढ़ते हैं गाइस, एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन की एक एक हेडिंग को डिटेल से डिस्कस करेंगे और उसके बाद में इससे रिलेटेड जो भी आपके एमसीक्यूज होंगे उसको भी हम डिस्कस करेंगे। नाउ जब गवर्नेंस ऑफ द यूनिवर्सिटीज इन इंडिया की बात करते हैं, सॉरी, भारत में विश्वविद्यालयों का शासन, तो यूनिवर्सिटीज की जनरली हम बात करते हैं तो सबसे ऊपर जो होते हैं आपके वो होते हैं विजिटर, सबसे ऊपर जो होंगे वो आपके कौन होते हैं, विजिटर होते हैं। नाउ अब विजिटर होंगे तो दो हमारी कैटेगरीज हैं यूनिवर्सिटीज की जनरली, एक तो आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, एक दोस्तों आपकी होती हैं स्टेट यूनिवर्सिटीज। इतना सबको समझ में आया, दो यूनिवर्सिटीज होती हैं आपकी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और स्टेट यूनिवर्सिटीज। जब हम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं तो भारत के राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो हमारे क्या होंगे, विजिटर होंगे। विजिटर क्या टॉपिक चल रहा है, तो जब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की बात होगी तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो हमारे क्या होंगे, विजिटर होंगे। उसके बाद में मैं बात करूं स्टेट यूनिवर्सिटीज की, तो गवर्नर ऑफ द स्टेट, गवर्नर ऑफ द स्टेट राज्यों के राज्यपाल, राज्यों के जो राज्यपाल हैं वो स्टेट यूनिवर्सिटीज के क्या होंगे, विजिटर होंगे। एवरीवन इसको आप ध्यान रखना है, इसको भूलना नहीं है, पहली चीज क्लियर है आप सबको, एवरीवन
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के रहेंगे, स्टेट यूनिवर्सिटी के आपके राज्य के जो राज्यपाल होते हैं, गवर्नर ऑफ द स्टेट होते हैं, वो आपके विजिटर। अब बात करते हैं चांसलर। ओके, अब चांसलर की जब हम बात करते हैं गाइस, तो जो चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी होता है आपका, स्टेट की जब हम बात करते हैं, तो आपका वो होता है गवर्नर। देखो, जितनी भी हमारी यूनिवर्सिटीज हैं, अगर कोई भी राज्य है, कोई भी स्टेट है, फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं यूपी की, तो यूपी में जितनी भी यूनिवर्सिटीज होंगी, जितनी भी स्टेट यूनिवर्सिटीज होंगी, जितनी भी स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं आपकी, उन सब के जो चांसलर होंगे यूपी के गवर्नर होंगे। अब आप मुझे बताइए कि यूपी के गवर्नर का नाम बताएंगे सब लोग एक बार कमेंट करके। आप सब लोग एक बार मुझे यूपी के गवर्नर का नाम बताएं सब लोग। सब लोग यूपी के गवर्नर का नाम बताएं आप सब, कि क्या है वो ही आपके यूपी की स्टेट में जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उसके क्या होंगे, चांसलर होंगे। नाउ एक चीज याद रखना, द गवर्नर ऑफ अ स्टेट इज द चांसलर ऑफ अ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आल्सो विच फॉल्स इन दैट पर्टिकुलर स्टेट। जो गवर्नर होते हैं जनरली, जो गवर्नर होते हैं वो उस जो आपकी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं एक्चुअली में उसका भी वो आपकी स्टेट में अगर फोल्ड कर रही है तो उसके भी वो क्या होते हैं, चांसलर होते हैं। लेकिन विजिटर जो होंगे वो आपके कौन होंगे, प्रेसिडेंट ही हमेशा उसके विजिटर होंगे। प्लीज इस चीज को याद रखना। यस, आनंदी बेन पटेल है, वो आपकी जितनी भी स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं उन सब की क्या है, चांसलर है। उसके बाद में स्पेशली हम बात करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटीज की, एक्सेप्शन है गाइस, इसको थोड़ा सा याद रखना। दिल्ली यूनिवर्सिटीज की हम बात करते हैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटीज के जो चांसलर हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो चांसलर हैं वो है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वेंकैया नायडू हैं। वो दिल्ली यूनिवर्सिटीज के क्या है, वाइस चांसलर है, सॉरी चांसलर है, नॉट वाइस चांसलर, चांसलर। जो जो दिल्ली विश्वविद्यालय है, जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं, वो दिल्ली विश्वविद्यालय के क्या हैं, कुलाधिपति हैं। तो इसको आपको याद रखना है। नाउ अब इन सम यूनिवर्सिटीज डिस्टिंग्विश एकेडमिशियन और अपॉइंटेड एज अ वाइस चांसलर बाय द विजिटर। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज में, कुछ यूनिवर्सिटीज जो हमारी होती हैं, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती हैं गाइस, उसमें कुछ एकेडमिशियन को चांसलर बनाया जा सकता है जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे, यानी जो विजिटर होता है यूनिवर्सिटी का वही आपका चांसलर है, उसको अपॉइंट करता है। नाउ जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि अ गवर्नर इज द हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एकेडमिक अफेयर ऑफ द यूनिवर्सिटीज, यानी कि अगर हम यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे तो सबसे ऊपर जो होंगे वो आपके कौन होते हैं, गवर्नर होते, गवर्नर ऑफ स्टेट। जो भी सबसे ऊपर टॉप हायरार्की में होगा एडमिनिस्ट्रेशन में, वो आपके कौन होंगे, गवर्नर होंगे। इस बात को आप जरूर से जरूर याद रखिए। इतना क्लियर आपको, चांसलर वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, कुलाधिपति का कॉन्सेप्ट क्लियर है एवरीवन? इसमें किसी को कोई भी डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं, थोड़ा सा भी किसी को डाउट है तो प्लीज बता दीजिए चांसलर वाले टॉपिक। नाउ अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं गाइस, अब बात करते हैं वाइस चांसलर की। अब किसकी बात करते हैं, कुलपति। देखो, कुलाधिपति और कुलपति दोनों अलग अलग पोस्टें होती हैं, इसको कंफ्यूज मत करना। जो चांसलर होगा हमारा उसको हम बोलेंगे कुलाधिपति, और जो हमारे वाइस चांसलर हैं उसको हम बोलते हैं कुलपति। नाउ अब एक एक करके इसको भी डिस्कस करते हैं। जैसा कि हमने बताया कि जो वाइस चांसलर होता है ऑफ अ यूनिवर्सिटी इज इन कैंपस एग्जीक्यूटिव है,
अवर रोल हमने किसकी बात की, गवर्नर होगा। अवर रोल बात करेंगे तो गाइस गवर्नर होगा। अगर कैंपस की बात करेंगे, इन कैंपस की मैं बात करूं तो जो वाइस चांसलर है वो आपके एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं ऑफ द एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स ऑफ यूनिवर्सिटी इंक्लूडिंग द अफिलियटेड कॉलेज। ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस कि जो हमारे वाइस चांसलर होते हैं वो इन कैंपस एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं और एकेडमिक अफेयर्स के भी वो हेड होते हैं, इंक्लूडिंग जो भी उसकी अफिलिएटेड कॉलेज हैं उसके भी वो क्या होंगे, हेड होंगे। वाइस चांसलर है वो सीईओ होते हैं एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर ऑफ द यूनिवर्सिटी। सीईओ मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं। सर वाइस चांसलर ऑफ डी यू वाई प्रेसिडेंट, क्योंकि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है वो आपका किसी स्टेट नहीं है, वो आपका यूटी है, क्योंकि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है वो आपकी क्या है, यूटी है, और वो आपकी कैपिटल सिटी भी है, स्पेशल यूटी है वो। ओके, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में गवर्नर होता, दिल्ली में गवर्नर नहीं है, है ना, लेफ्टिनेंट गवर्नर। ओके, जो दिल्ली है उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर है, गवर्नर की पोस्ट है भी नहीं वैसे वहां, और ये एक आप यूटी है, यूनियन टेरिटरी है और कैपिटल सिटी है। ये कुछ कारण है जिसकी वजह से जो वाइस प्रेसिडेंट है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के क्या है, चांसलर है। नाउ आप जो वीसी हैं गाइस वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका बनता है। जो भी वीसी होंगे, किसी भी यूनिवर्सिटी के वीसी हों गाइस, वो गवर्नर ऑफ द स्टेट के द्वारा ही अपॉइंट किए जाएंगे हमेशा। इस फैक्ट को आपको बहुत अच्छे से रट लेना है क्योंकि ये पूछा जा सकता है आपसे। अब इसका लॉजिक क्या रहेगा कि भाई जो भी गवर्नर होते हैं किसी भी स्टेट के, किसी भी राज्य के जो गवर्नर होते हैं वो आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं ना। अब उसके बाद में आप देखिए जो वाइस चांसलर हैं वो बहुत सारी बॉडीज के हेड होते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, पूछा जाएगा सिंपल सा कि एकेडमिक काउंसिल के हेड कौन है। तो गाइस एकेडमिक काउंसिल के हेड भी वाइस चांसलर ही होते हैं आपके। सीनेट जो होती है उसके हेड भी वाइस चांसलर होते हैं। सिंडिकेट जो होती है उसके हेड भी आपके वाइस चांसलर होते हैं। सीनेट को हम कोर्ट भी बोलते हैं, यूनिवर्सिटी कोर्ट। तो यूनिवर्सिटी कोर्ट के हेड भी वाइस चांसलर होंगे आपके, और जो भी अदर फंक्शनिंग बॉडीज हैं उन सब के हेड हैं वो आपके वाइस चांसलर होते हैं यूनिवर्सिटीज। इतना क्लियर है? नाउ अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। वाइस चांसलर के बाद में जो पोस्ट आती है हमारी वो आती है प्रो वाइस चांसलर। अब देखो, हो सकता है कि कई बार वाइस चांसलर है वो अब्सेंट हो, छुट्टी पे हो, या वाइस चांसलर की जो पोस्ट है वो खाली, तो उस टाइम पे हमारे होते हैं प्रो वाइस चांसलर, जो कि वही पावर इंजॉय करते हैं जो कि एक चांसलर होती है। अगर किसी भी रीजन के कारण, किसी भी कारणवश यहां पे, किसी भी कारणवश गाइस यहां पे आपके जो वाइस चांसलर होते हैं, जो चांसलर होते हैं बेसिकली वो अब्सेंट हो या वाइस चांसलर आपके अब्सेंट हो, तो जो प्रो वाइस चांसलर है वो उसकी पावर को एंजॉय करते हैं। नाउ जो भी प्रो वाइस चांसलर होते हैं वो चांसलर के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं और वीसी से कंसल्ट करके ही प्रो वाइस चांसलर को अपॉइंट किया जाता है। तो आपसे पूछ ले कि भाई प्रो वाइस चांसलर है, प्रो वीसी है, वो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, तो वो चांसलर के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। लेकिन जो वीसी होते हैं यूनिवर्सिटीज के, उससे कंसल्टेशन के बिना नहीं कर सकते, उससे कंसल्टेशन करके ही आपको प्रो वाइस चांसलर है उसको अपॉइंट किया जाए। अब उसके बाद में हम बात करते हैं डीन। डीन क्या होते हैं? तो देखो डीन क्या होते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटीज की फुल टाइम जो टीचर होते हैं, फुल टाइम जो प्रोफेसर होते हैं,
वो होते हैं डीन, ये आपको याद रखना है। डीन कौन होते हैं गाइस? फुल टाइम टीचर होते हैं यूनिवर्सिटीज के, उनको हम बोलते हैं डीन होते हैं। नाउ डीन क्या है आपका? फुल टाइम टीचर ऑफ अ यूनिवर्सिटीज इज अपॉइंटेड एज अ डीन बाय द वाइस चांसलर। अब आपको पता होना चाहिए कि भाई डीन को कौन अपॉइंट करेगा? डीन को अपॉइंटेड बाय वीसी। जो डीन है वो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं गाइस? वो वीसी के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। फुल टाइम टीचर ऑफ द यूनिवर्सिटीज इज अपॉइंटेड एज अ डीन बाय द वाइस चांसलर, को याद रखना है। अ डीन इज टू वर्क एट माइक्रो लेवल ऑफ डिफरेंट एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल। देयर कैन बी डीन ऑफ एकेडमिक अफेयर्स, डीन स्पोर्ट्स, डीन फैकल्टी, डीन कॉलेज। ये आपको पता होना चाहिए। आपने भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी की होंगी और आप अभी पीएचडी भी कर रहे होंगे, तो आपको पता होगा कि एकेडमिक अफेयर्स के डीन होते हैं, डीन स्पोर्ट्स हो सकता है, डीन फैकल्टी डीन हो सकते हैं, डीन कॉलेज हो सकते हैं। जितने भी एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स होते हैं, ग्राउंड लेवल पे जो काम करते हैं वो डीन ही करते हैं। जो ग्राउंड लेवल पे जो काम किया जाता है वो डीन के द्वारा ही यहाँ पे काम किया जाता है किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर में, एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। नाउ उसके बाद में होते हैं आपके रजिस्ट्रार। जब हम यूनिवर्सिटीज के गवर्नेंस की बात करते हैं तो रजिस्ट्रार होते हैं। रजिस्ट्रार एक बेसिकली क्या होता है? एक प्रशासनिक अधिकारी होता है। ये क्या होता है? प्रशासनिक अधिकारी होता है। जिस भी स्टेट में आपकी यूनिवर्सिटी है उनके जनरली जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं, जो सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं, उनको रजिस्ट्रार है वो बनाया जाता है। तो रजिस्ट्रार ऑफ अ यूनिवर्सिटी इज अ फुल टाइम ऑफिसर डील विद द डे टू डे अफेयर्स ऑफ आ यूनिवर्सिटी। तो जो प्रशासनिक कार्य होते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होते हैं, उनको जो रजिस्ट्रार साहब हैं वही आपके देखते हैं। और ये किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? ये राज्य सरकार के द्वारा नियुक्ति इनकी होती है, राज्य सरकार के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। वेरी वेरी गुड, ओके। जो रजिस्ट्रार होते हैं वो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? राज्य सरकार के द्वारा रजिस्ट्रार है वो अपॉइंट किए जाते हैं ना। अब ये हो कौन सकता है? जैसे कोई सिविल सर्वेंट हो सकता है, जैसा कि मैंने बताया, असिस्टेंट और डिप्यूटी रजिस्ट्रार को भी रजिस्ट्रार बनाया जा सकता है, टीचर्स और एकेडमिशियंस, इनमें से किसी को भी एज ए रजिस्ट्रार है कि पोस्ट है वो दी जा सकती है ना। रजिस्ट्रार का मतलब आप नाम से ही समझ रहे होंगे कि भाई रजिस्टर को मेंटेन करता होगा। तो यूनिवर्सिटीज के जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं, जो हमारी यूनिवर्सिटीज हैं उनके जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं, उसका एक कस्टोडियन होता है, उसका एक संरक्षक होता है ना। एंड जितनी भी हमारी बॉडीज हैं, जैसे एकेडमिक काउंसिल है, सीनेट है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, उन सब के ये एक्स ऑफिशियो मेंबर सेक्रेटरी होते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, वो ध्यान रखना। जितनी भी हमारी बॉडीज हैं यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, उन सब के एक्स ऑफिशियो मेंबर सेक्रेटरी होते हैं, वो कौन होते हैं? आपके रजिस्ट्रार ही होते हैं। इसको बहुत अच्छे से आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको आप सब लोग याद रखिए, ओके। नाउ अब ये जो रजिस्ट्रार होते हैं गाइस, ये जितनी भी मीटिंग्स होती हैं, जितनी भी बॉडीज होती हैं, उन सब की मीटिंग भी बुला सकता है ना। और
बेसिकली अगर एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में लेटर भेजना हो, इन्फॉर्मेशन भेजनी हो, तो वो रजिस्ट्रार ऑफिस से ही वो सारी की सारी क्या होती है, सर्कुलेट होती है। जैसे भाई अलग अलग डिपार्टमेंट हैं आपके, अलग अलग बॉडीज हैं किसी यूनिवर्सिटीज में, उन सब के बीच में आपको कोई क्रोस्पोंडेंस करना है, यानी कोई संवाद आपको करना है, पत्राचार कोई करना है, तो आपका रजिस्ट्रार ऑफिस है, वहीं से वो पत्राचार है या जो क्रोस्पोंडेंस है उसका संचालन होता है, जिसको हम क्रोस्पोंडेंस बोलते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इतना समझ में आया सबको? नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका कोर्ट और द सीनेट। अब ये जो कोर्ट और सीनेट है ये क्या होती है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। अबाउट 100 मेंबर्स अमंग द रजिस्टर्ड ग्रेजुएट, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, पुलिस प्रिंसिपल, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंडस्ट्रीज, है ना। ये देखो 100 मेंबर होते हैं, 100 सदस्य की एक सीनेट होती है, जिसमें आपके स्टूडेंट भी हो सकते हैं, जो ऑलरेडी उस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं उसमें से सेलेक्ट किया जाएगा, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट के जो हेड है उनको सेलेक्ट किया जाएगा, जो अफिलिएटेड कॉलेजेस हैं उनके प्रिंसिपल्स इसमें होंगे, और जो आपके इंडस्ट्रीज के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो इसमें होंगे। नाउ अब ये सीनेट है क्या है? ये एक रूटीन पॉलिसी मेकिंग बॉडी है, रूटीन पॉलिसी मेकिंग बॉडी है कहेगा। कोर्ट और सीनेट है क्या? आपकी रूटीन पॉलिसी मेकिंग बॉडी है सिंपली, जो किस किस की पॉलिसीज बनाती है, रिसर्च की भी बनाती है और टीचिंग की भी बनाती है। तो आपसे पूछ ले भाई, कोर्ट से, यूनिवर्सिटी कोर्ट से या सीनेट से आप क्या समझते हो, तो आपका आंसर सिंपल सा होगा कि सर ये एक रूटीन पॉलिसी मेकिंग बॉडी है, जो कि रिसर्च और टीचिंग से रिलेटेड अपनी पॉलिसी से वो बनाती है। नाउ अब ये जो कोर्ट और सीनेट है, इट आल्सो अप्रूव्स द अवार्डिंग ऑफ डिग्रीज एंड इट आल्सो मेंटेन स्टैंडर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी अवार्ड। ये जो सीनेट है, ये जो डिग्री है उनको भी अप्रूव करती है, और यूनिवर्सिटीज है उनका एक मिनिमम स्टैंडर्ड जो है वो मेंटेन करके आपके रखते हैं। अब हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल की या सिंडिकेट की। सिंडिकेट आप सबने पता होगा, सिंडिकेट का मतलब क्या होता है? एक ऐसी बॉडी होती है जिसमें एक आप मान सकते हो ग्रुप होता है गाइस, जो कि ओवरऑल जितना भी कार्य होता है उसको देखते हैं। तो सिंडिकेट एक बॉडी होती है जो कि यूनिवर्सिटीज के फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि वित्त और प्रशासन, दोनों को देखती है। फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन दोनों को देखती है। ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है और जिसको हम सिंडिकेट बोलते हैं, वित्त और प्रशासन दोनों को ये देखती है। अब इसको और पढ़ेंगे। सिंडिकेट इज द बॉडी विच हैज कंट्रोल, यह है वह एक निकाय है जिसका कंट्रोल होता है फाइनेंस और वित्त पे, प्रशासन और एडमिनिस्ट्रेशन। इट कैन साइन और ब्रेक कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ यूनिवर्सिटीज। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं कि भाई हमने किसी प्राइवेट फर्म से या किसी अदर बॉडी से कॉन्ट्रैक्ट किया है, जो कॉन्ट्रैक्ट कौन करेगा? कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटिव काउंसिल करेगी। अगर हमें किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया है और हमें बंद करना है वो कॉन्ट्रैक्ट, हमने कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई इस बार के जो पेपर हैं वो आपसे छपवाएंगे हम, किसी पब्लिशिंग हाउस से हमने किसी पब्लिशर से हमने कॉन्ट्रैक्ट किया, इस बार के पेपर है वो आप छाप के दोगे, फिर एग्जीक्यूटिव काउंसिल को लगा कि कहीं ना कहीं ये पेपर को लीक ना कर दे या ट्रस्टेबल एंटिटी नहीं है, तो ये इस जो कॉन्ट्रैक्ट है किसी पब्लिशर से आपने किया है उसको क्या कर सकती है, ब्रेक भी कर सकते हैं, बोलेंगे कि हम नहीं बनवा रहे आपसे पेपर, है ना।
और ये जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है, जो सिंडिकेट होती है, उसका एक काम और होता है इंपॉर्टेंट, अगर ये चाहे तो किसी भी कॉलेज को अफिलिएशन के लिए रिकमेंड कर सकती है, अगर ये चाहे तो बोलेगी कि हम आपको अफिलिएशन नहीं देंगे। एंड ये जो बॉडी होती है, ये लगभग 20 मेंबर की बॉडी होती है, 20 सदस्य हैं तो इसके मेंबर होते हैं आपके, जैसे कि अलग अलग कॉलेजेस के रिप्रेजेंटेटिव डीन्स हैं वो इसके मेंबर होंगे, और जो वीसी हैं वो इसके क्या होते हैं, चेयरमैन होते हैं। ओके, जो वीसी होते हैं, जो हमारे वाइस चांसलर होते हैं गाइस, वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल या सिंडिकेट के क्या होते हैं, हेड होते हैं। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था कि जो वीसी हैं वो मोस्ट ऑफ द जो कमिटीज हैं, मोस्ट ऑफ द जो बॉडीज हैं यूनिवर्सिटीज की, इन कैंपस जो बॉडीज होती हैं उसके वीसी ही आपके हेड होंगे, या वीसी ही आपके क्या होंगे, चेयरमैन होंगे उसके। ये बात आपको अपने दिल और दिमाग में अच्छे से बैठा लेनी है कि अगर हम बात करते हैं इन हाउस या इन कैंपस बॉडीज एंड कमिटीज की, तो वीसी ही उसके चेयरमैन होंगे। एक चीज और याद रख लेना आप सब लोग, कि अगर यूनिवर्सिटी में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आती है, तो उसके लिए आपकी सिंडिकेट या एग्जीक्यूटिव काउंसिल ही रेस्पॉन्सिबल है। अगर यूनिवर्सिटीज में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आएगी, तो हमारे जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वही उसके रेस्पॉन्सिबल है, और अगर हम एक पर्सन को रेस्पॉन्सिबल माने तो वीसी हैं वो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, क्योंकि वीसी उसके क्या होते हैं, चेयरमैन होते हैं। नाउ अब उसके बाद में आती है आपकी एकेडमिक काउंसिल, जो कि लास्ट ईयर के 2020 के पीवाईक्यू में काफी ज्यादा पूछी गई थी, एकेडमिक काउंसिल एंड बोर्ड ऑफ स्टडीज। इसके बाद में हम बोर्ड ऑफ स्टडीज पढ़ेंगे, ठीक है? उसके बाद में यूनिवर्सिटी कोर्ट में आपको पढ़ाऊंगा। एंड अब सबसे पहले हम देखते हैं एकेडमिक काउंसिल। अब देखिए, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, एकेडमिक काउंसिल यानी अकादमिक परिषद। तो भाई एकेडमिक काउंसिल है तो काम क्या होगा गाइस? अफिलिएशन होता है मान्यता, मान्यता देना किसी को। अफिलिएशन का मतलब होता है मान्यता देना। जैसे आपका कोई कॉलेज है, फॉर एग्जांपल आपने किसी एक्स वाई जेड कॉलेज है आपका, तो वो कॉलेज है वो किसी यूनिवर्सिटी से क्या होगा, अफिलिएट होगा। उसके बोर्ड पे आप देखना, जो यूनिवर्सिटी का बोर्ड होता है, आप जब एंटर करोगे तो नीचे लिखा होता है अफिलिएटेड टू, क्या होता है उसके नीचे क्या लिखा होता है, अफिलिएटेड टू, जैसे अफिलिएटेड टू, फॉर एग्जाम्पल आपका यूपी में कोई कॉलेज है, यूपी में कोई कॉलेज है, उस कॉलेज का बोर्ड आप देखना, उस कॉलेज के बोर्ड पे आप देखोगे तो नीचे लिखा होगा अफिलिएटेड टू, फॉर एग्जाम्पल हम बात कर सकते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड, क्लियर एवरीवन? ये क्लियर है आप सबको, एवरीवन? अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि सर अफिलिएशन का मतलब क्या होता है, तो ऐसे एग्जाम्पल्स के थ्रू आप बता सकते हैं। जैसे कोई यूपी में आपका कॉलेज है तो इलाहाबाद के आसपास में है, तो वो आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड होगी वो, है ना? जैसे राजस्थान में कोई कॉलेज है तो वो राजस्थान यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड होगी। नाउ अब देखिए, एज द नेम इंडिकेट, जैसा कि नाम से संकेत मिल रहा है कि जितने भी एकेडमिक इश्यूज होते हैं, जितने भी एकेडमिक इश्यूज होते हैं, उन सबसे कौन डील करेगा, उन सबसे एकेडमिक काउंसिल ही डील करेगी आपकी। नाउ जब हम एकेडमिक काउंसिल की बात करते हैं और एकेडमिक इश्यूज की बात करते हैं, तो भाई एकेडमिक इश्यूज क्या क्या हो सकते हैं आपके? फॉर एग्जाम्पल आपका कोर्स डिजाइन करना है, ओके, नया कोर्स आपको लेके आना है ना, कोई फॉर्मल अप्रूवल ऑफ द करिकुलम है, पाठ्यक्रम आपको नया इंट्रोड्यूस करना है, ये सारी की सारी चीजें होती हैं वो कौन करेगा, आपका एकेडमिक काउंसिल के काम होते हैं। जो भी एकेडमिक इश्यूज होंगे, रिजल्ट से रिलेटेड कोई, अगर आपको रिजल्ट डिक्लेयर करना है, फॉर एग्जाम्पल आपको रिजल्ट डिक्लेयर करना है 26 जनवरी को,
तो ये डिसीजन किसका होगा, ये एकेडमिक काउंसिल का डिसीजन होगा कि रिजल्ट किस दिन डिक्लेयर करना है। ऐसे समझ में, तो कई बार आपके यूनिवर्सिटीज के रिजल्ट है वो डिले होते हैं, है ना, कई बार लगता है ना कि यार रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, तो वो सारा डिसीजन किसका होता है, वो एकेडमिक काउंसिल का वो डिसीजन होता है रिजल्ट के रिगार्डिंग। इसके मेंबर कौन होते हैं, आपके वाइस चेयरमैन इसके चेयरमैन होंगे, वाइस जो वीसी होते हैं, इसके हमने बात की थी कि मोस्ट ऑफ द जो बॉडीज होती हैं उसके चेयरमैन यही होंगे, तो वीसी साहब हैं वो इसके चेयरमैन होंगे। जो कॉलेजेस के जो प्रिंसिपल्स हैं और जो डिपार्टमेंट के जो हेड है, वो सारे के सारे एकेडमिक काउंसिल के क्या होते हैं, हेड होंगे, ये इसके मेंबर होंगे। ठीक है, तो इसको आप सब लोग याद रखें। उसके बाद में हम बात करते हैं आपका बोर्ड ऑफ स्टडीज का। बोर्ड ऑफ स्टडीज क्या होते हैं, बोर्ड ऑफ स्टडीज इज द बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एकेडमिक सिस्टम ऑफ द ऑटोनोमस पुलिस, है ना। इनका काम क्या होता है बोर्ड ऑफ स्टडीज का, इसका काम होता है कि भाई सिलेबस को बनाना इसका काम है, डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज आपके चलाने हैं तो उसके लिए सिलेबस को ही बनाएगा, है ना। जो सिलेबस है उसको टाइम टू टाइम रिव्यू करना है, उसको अपडेट करने का जो काम है वो बोर्ड ऑफ स्टडीज करती है। इंट्रोड्यूसिंग न्यू कोर्स ऑफ स्टडीज, अगर नया कोर्स आपको इंट्रोड्यूस करना है तो बोर्ड ऑफ स्टडीज करेगा, है ना। रिकमेंडिंग पार एग्जामिनर्स अंडर द सेमेस्टर सिस्टम, ये सारी की सारी जो चीजें होती हैं वो आपका बोर्ड ऑफ स्टडीज होता है, तो इसको भी आपको याद रखना है। तो हमने एक पढ़ा एकेडमिक काउंसिल, तो दूसरा पढ़ा हमने बोर्ड ऑफ स्टडीज। अब जो होता है वो आपका होता है यूनिवर्सिटी कोर्ट। ना यूनिवर्सिटी कोर्ट है, और इसको हम सीनेट भी बोलते हैं बेसिकली, क्या बोलते हैं, सीनेट। अब इस कोर्ट के और सीनेट के क्या क्या फंक्शन होते हैं इसको एक बार देख लीजिए। सबसे पहले तो जो हमारी यूनिवर्सिटीज की ब्रॉड पॉलिसीज हैं, जो प्रोग्राम्स हैं, उनको क्या करता है ये, ओवरव्यू करता है, है ना। समय समय पर विश्वविद्यालय की जो व्यापक नीतियां हैं और कार्यक्रम हैं उसकी क्या करता है ये, समीक्षा करता है, यानी उसको क्या करता है, उसको रिव्यू करता है। उसको क्या करता है, रिव्यू करता है गाइस। अगर उन नीतियों में कोई सुधार की गुंजाइश हो तो उसमें ये सुधार भी किया जाता है इसके द्वारा, ये आपको याद रखना है। ईच एंड एवरी स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये याद रखना है। एवरीवन याद रहेगा गाइस, आप सबको ये याद रहेगी ये चीज। नाउ टू कंसीडर एंड पास रेजोल्यूशन ऑन द एनुअल एंड एनुअल अकाउंट्स टुगेदर विद द ऑडिटेड रिपोर्ट एंड टू एक्सरसाइज ऑल पावर ऑफ द यूनिवर्सिटी एंड नॉट प्रोवाइडेड बाय दिस एक्ट और सीनेट। क्लियर एवरीवन, तो ये सारी की सारी जो पॉलिसीज का रिव्यू करेगा वो आपका यूनिवर्सिटी कोर्ट ही करेगा, इस बात को आपको याद रखना है। नाउ अब बात आती है कि गाइस आपका देखो दो और बचे, एक तो यूनिवर्सिटी कोर्ट को हम करना है, फिर आपका जो लास्ट है वो है परफॉर्मेंस और अप्रेजल सिस्टम। तो जो यूनिवर्सिटी कोर्ट है इसमें कौन कौन होंगे आपके, एक तो चांसलर होंगे, वाइस चांसलर होंगे, प्रो वाइस चांसलर होंगे, थ्री डीन ऑफ फैकल्टीज इसमें होंगी, ओके। ये सीनेट ही है आपका, तो सीनेट में कौन होंगे आपके, चांसलर, वाइस चांसलर और प्रो वाइस चांसलर, तो इसको आपको याद रखना है सब, ओके। नाउ उसके बाद में है आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम, उसके बाद में हम क्या पढ़ने वाले हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम। अब हम पढ़ेंगे परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम। अभी परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, ऐसे ही हमारी यूनिवर्सिटीज के क्या होते हैं, इंप्लॉय होते हैं, यूनिवर्सिटी के क्या होते हैं, इंप्लॉय होते हैं, कर्मचारी होते हैं, किसी भी विश्वविद्यालय में कर्मचारी तो होते हैं ना, तभी तो यूनिवर्सिटी चलता है,
तो परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम का क्या है भाई, किसी के काम का मूल्यांकन कर। अब परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम इज मैनेज द एम्प्लॉय परफॉर्मेंस प्रोसेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू इवेल्युएट द जॉब परफॉर्मेंस। जैसे कोई भी कर्मचारी है उसके कार्य की समीक्षा करना, उसके कार्य की समीक्षा करना जिससे कि आपका क्या हो सके, उसके प्रमोशन हो सके। क्या हो सके? उसका प्रमोशन, यानी उसको पदोन्नति मिल सके, उसको प्रमोट किया जा सके। ये है आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम। सिंपल है, इसको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना है, बहुत ही आसान है। इसको हम बोलते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम। इतना क्लियर है आप सबको, एवरीवन? ओके, अभी जो परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम है, इससे भी एक क्वेश्चन आया था आपका। परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम है एक पीरियोडिक असेसमेंट है ऑफ एन एम्प्लॉयज जॉब परफॉर्मेंस एज मेजर्ड बाय द कॉम्पिटेंसी एक्सपेक्टेशन पुट बाय द ऑर्गेनाइजेशंस। तो जैसे कि अगर उसका फीडबैक अच्छा आएगा तो उसको प्रमोट किया जाएगा, अगर उसका फीडबैक अच्छा नहीं आएगा तो नो प्रमोशन। तो आपका नो प्रमोशन, तो ये जनरली आपका क्या है, सिस्टम है बेसिकली, जिसको आपको याद रखना है, एवरीवन। ओके, अब गाइस आज के लिए हम इतना ही करेंगे, और बाकी जो चीजें हैं वो आपको मैं नेक्स्ट क्लास में करवाने वाला हूँ, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में हम जनरली जो क्वेश्चंस हैं, जो एमसीक्यूज हैं, उनको कवर करेंगे। सो आई होप आपको जितना भी पढ़ाया है उतना अच्छा लगा होगा। अगर सेशन पसंद आया है तो आप एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए सेशन को। एवरी वन प्लीज लाइक एंड शेयर द सेशन, और क्लास के बाद में आप सब लोग मुझे कमेंट करके भी बताना कि आपको सेशन कैसा लगा। और गाइस 4 बजे आपकी स्पेशल क्लास भी है आज, अपनी स्पेशल क्लास होगी 4 PM पे, तो सब लोग स्पेशल क्लास को भी अटेंड करें, एवरीवन। ओके, और अनलॉक कोड आपको लगाना है कैपिटल में, शिफ्ट है, ये मेरा है अनलॉक कोड। ओके, अनलॉक कोड क्या होगा मेरा, शिफ्ट है। इस कोड को आपको यूज करके जितनी भी क्लासेस हैं उनको ज्वाइन कर लेना है। आइकोनिक या प्लस सब्सक्रिप्शन जो भी आप लेना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। लक्ष्य बैच है पेपर वन का, ऑलरेडी आपका चल रहा है, तो लक्ष्य बैच को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा इम्पैक्ट बैच, एकम्प्लिश बैच, ये सारे के सारे बैचेस हैं जो ऑलरेडी चल रहे हैं, इनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपके आइकोनिक के प्लान है, ये प्लस के। रेफरल कोड आपको लगाना है कैपिटल में, शिफ्ट है, जैसे लगाएंगे तो इंस्टेंट 10% डिस्काउंट आपको मिलेगा। एंड 24 मंथ एंड 12 मंथ के सबसे बेस्ट प्लान है, इनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा ये बेनिफिट्स हैं जो प्लस एंड आइकोनिक में मिलते हैं। ज्यादा फायदा आइकोनिक में होगा क्योंकि यहाँ से पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर सेशन, पर्सनल डाउट सॉल्विंग सेशन, इंटरव्यू प्रिपरेशन, प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल, ये सब मिलता है आपको। कोई भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट लगे तो गाइस डिस्क्रिप्शन में जाके आप हमें बता भी सकते हैं कि सर ये ठीक नहीं है। स्पेशल क्लासेस की मैंने बात की, तो स्पेशल क्लास आपकी 4 PM पे होगी, अपकमिंग स्पेशल क्लास, जिसमें हम पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट यानी यूनिट 9 को मैं आपको कवर करवा रहा हूँ, जिसमें हम डिजास्टर मैनेजमेंट वाला टॉपिक अभी पढ़ रहे हैं। रिकॉर्डेड सेशन भी आप देख सकते हैं इन सारी क्लासेस का। ये प्रोफाइल है मेरा अनएकेडमी का, अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया यहाँ से तो फॉलो कीजिए, जिससे कि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन है वो मिलते रहे। और ये आपका शेड्यूल है, 4 बजे फिर मिलेंगे हम पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट के साथ। डिजास्टर मैनेजमेंट वाला टॉपिक है जो अभी चल रहा है, और आपका लास्ट टॉपिक है आज जो डिजास्टर मैनेजमेंट की लास्ट क्लास है, तो सब लोग उसको अच्छे से अटेंड कीजिए। अनलॉक कोड मैंने आपको बता ही दिया, शिव टाइम मेरा अनलॉक। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड आई होप आपको ये सारी चीज पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो गाइज एक बार हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि रेगुलर बेसिस पे आपको नोटिफिकेशन है वो मिलते रहे।